आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। GSTR 1 की जो लेट फीस है, एक व्यक्ति को नोटिस आया है, लगभग 4 लाख रुपए की लेट फीस है। 4 लाख रुपए की लेट फीस उसे भरने का नोटिस आया। अब वो उस केस में क्या करे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि मैं आपको डिटेल में बता सकूं कि अगर आपको भी ऐसा नोटिस आया है तो आप इस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो स्कूटनी है वो 18-19 की है और इन्होंने 2B और 2A का जो डिफरेंस है वो तो बताया ही बताया है। साथ में क्या लिखा है पॉइंट नंबर सेकंड में कि भाई GSTR 1 की 18-19 के अंदर जो लेट फीस है वो 60,000 रुपये आपको पे करनी है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि टोटल जो लेट फीस आपके ऊपर बनती है वो 3,35,000 रुपये बनती है, ठीक है ना। तो लगभग 4 लाख रुपए की ये लेट फीस है जो क्लाइंट से डिमांड करी जा रही है। कब से कब तक? जुलाई 17 से लेकर 21-22 तक की लेट फीस आपसे डिमांड करी जा रही है। और यहाँ पर क्या कर रखा है, सारी लेट फीस की कैलकुलेशन दी जा रही है आपको कि भाई ये वाली GSTR 1 आपको तब फाइल करनी थी, इसकी ड्यू डेट ये थी, आपने तब फाइल करी, इस तरीके से आपको लेट फीस लग गई है और आप 4 लाख रुपये की लेट फीस दे दो। अब क्लाइंट क्या है, माथा पकड़ के आ रहा है हमारे पास, वो कह रहा है सर क्या करे इस केस में, क्या लेट फीस दे ना दे। अब मैं आपको इसमें लो की पोजीशन बताता हूँ और पोर्टल की पोजीशन बताता हूँ। अगर हम लो की पोजीशन पर जाएं तो सेक्शन 47 है जो कहता है भाई लेट फीस लगेगी आपने अगर GSTR 1 लेट फाइल करी। लेकिन अगर हम पोर्टल के हिसाब से चले तो पोर्टल GSTR 1 के केस में लेट फीस लेता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए कई प्रोफेशनल कहते हैं सर लगनी चाहिए, कई कहते हैं नहीं लगनी चाहिए। मेरा पूरा मानना है कि लगनी चाहिए GSTR 1 की लेट फीस अगर आप लेट फाइल करते हो। लेकिन गवर्नमेंट्स ने क्या करा है, टाइम टाइम पर लेट फीस को वेव ऑफ भी कर दिया था और लेट फीस को रिड्यूस भी कर दिया था। तो अगर आपको ऐसा नोटिस आया है सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर ले कि भाई आपको जो लेट फीस लगी है वो बिल्कुल सही लगी है या नहीं। क्या डिपार्टमेंट ने ज़्यादा लेट फीस तो नहीं लगा दी और आपके केस में कम लगनी चाहिए थी। तो इसकी कैलकुलेशन सेक्शन 47 रेड विद नोटिफिकेशन से कर ले कि भाई जो जो नोटिफिकेशन आई है, जब जब इन्होंने कोविड के टाइम पे रिड्यूस करी है, ठीक है ना, उस टाइम पर क्या क्या लेट फीस थी वो। अब मुद्दा ये आता है, चलो सर 4 लाख की लेट फीस थी, अगर हमने कैलकुलेशन करके देखा कि नहीं 3 लाख रुपये की लेट फीस है, अब इसे जमा करें या ना करें, और अगर इसे जमा करें तो कैसे करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि लेट सपोज करो तुमने 3 लाख रुपए की लेट फीस जमा कर दी और वो जमा कर दी DRC 03 से। अब DRC 03 से 3 लाख रुपए की लेट फीस जमा कर दी, अब होता क्या है कि कुछ दिन बाद पोर्टल में एक कमांड डाली जाती है कि भाई जिसने अपनी GSTR 1 लेट फाइल करी है, ठीक है ना, GSTR 1 लेट फाइल करी है तो उस पर लेट फीस लगनी चाहिए, और पोर्टल भी उठाकर 3 लाख रुपए की लेट फीस कैलकुलेट कर देता है। अब आपने पे कर रखी होगी DRC 03 से और पोर्टल भी आपकी पेबल बना देगा तो वो कैसे एडजस्ट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि पोर्टल अभी नहीं मांग रहा है लेकिन ऑफिसर मांग रहे हैं, डिपार्टमेंट मांग रहा है, तो अब क्या करो, डिपार्टमेंट को तो रिप्लाई चाहिए। तो आप डिपार्टमेंट को रिप्लाई में ये कह सकते हो सेक्शन 47 का हवाला देकर, ठीक है ना, कि भाई जो लेट फीस होती है वो सिस्टम कैलकुलेट करता है, चाहे GSTR 3B की लेट फीस हो चाहे GSTR 9 की लेट फीस हो, वो सिस्टम कैलकुलेट करता है। तो अगर जब तक GSTR 1 की लेट फीस सिस्टम ने कैलकुलेट नहीं करी, मैं आपको कैसे पे करूं? एज पर सेक्शन बनती है लेकिन गवर्नमेंट ने समय समय पर इसे वेव ऑफ भी करा, तो इन फ्यूचर ऐसा हो भी सकता है कि गवर्नमेंट दोबारा भी वेव ऑफ कर दे, ठीक है ना। तो अगर दोबारा वेव ऑफ कर दी गवर्नमेंट ने और मैं अभी आपको पे कर दूंगा तो क्या आप मुझे रिफंड दोगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको DRC 03 से जमा कर दूं, इसकी क्या गारंटी है कि पोर्टल दोबारा से लेट फीस में से नहीं लेगा, और अगर दोबारा पोर्टल ने ली उस केस में मैं क्या करूँगा। तो क्या मैंने जो पे करी है DRC 03 से, क्या आप मुझे उसका रिफंड देंगे, तो ये भी क्वेश्चन वाली बात। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि लेट फीस जमा मत करो, लेकिन जमा करने में ये दिक्कतें आ रही हैं। तो आप पहले इसे सोच समझ के बात करो कि भाई कैसे इसका रिप्लाई करना है, कैसे ये चीज़ें करनी है, क्योंकि अगर आपने लेट फीस पे कर दी और सिस्टम ने दोबारा उठा ली
तो हो सकता है दिक्कत हो। गवर्नमेंट्स को भी इसमें क्लैरिफिकेशन लानी चाहिए कि भाई इस केस में क्या होना चाहिए, कोई गाइडलाइंस लानी चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी इसके लिए कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो तो हमारा जीएसटी का फुल कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसे हर संडे टू संडे कराते हैं। ऐसे ही हमारा इनकम टैक्स का कोर्स है और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का, आईटीआर का मौसम चल रहा है तो आप आईटीआर का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम हर संडे को वेबिनार्स कर रहे हैं, जैसे हमने रखा है 2 किताबों पर वेबिनार, फिर हमने रखा है 9C पर वेबिनार। तो अगर इस तरह के वेबिनार आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन वेबिनार्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीम से बात करके। और अगर आप इन वेबिनार्स की एनुअल मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप इन वेबिनार की एनुअल मेंबरशिप भी ले सकते हैं। सर एनुअल मेंबरशिप कैसे मिलेगी? पूरे साल की एक ही बार में मिल जाएगी, ठीक है। लगभग 40-50 वेबिनार कराएंगे, ठीक है ना, और एक मिनिमम कॉस्ट पर आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हो। ये लगभग हर संडे होते हैं वेबिनार, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और एक हमने नई फ्लायर सर्विस शुरू करी है जिसमें जो ये अपडेट्स आ रही हैं तो ये अपडेट्स हम आप लोगों के लिए बनाकर देते हैं, आप उसे अपने स्टेटस पर अपने डीपी पर लगा सकते हैं। तो अगर इस तरह की फ्लायर सर्विस आपको चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो टीम है वो आपको फ्लायर सर्विस बना के देगी, आपका यहाँ पर नाम, आपका फ़ोटो, सब चीज़ आपको लगा कर देगी। बस आपको अपने डीपी और स्टेटस पर लगा लेना है, जिससे आपकी मार्केटिंग हो जाएगी और आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।